एक नए बोर्ड के साथ आप सभी प्यारे बच्चों का एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम BSc सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसका जो यूनिट 4 है, जिसमें हम पिछले लेक्चर्स तक यह कवर कर चुके हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि ट्रैजेक्टरीज क्या होते हैं। बेसिकली हम दो लेक्चर मैं पूरे ट्रेजेक्टरीज को कंप्लीट कर लेंगे। एक लेक्चर में हम बात करेंगे कि कार्टीजियन कर्व्स क्या होते हैं और दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि पोलर कर्व्स क्या होते हैं, और इस प्रकार हमारा ट्रेजेक्टरीज भी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही जल्द हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस पोर्शन भी कंप्लीट होने वाला है। मैट्रिसेस पोर्शंस तो ऑलरेडी कंप्लीट करा ही चुका हूं, अब बच रहा है ज्योमेट्री, तो उसे भी हम बहुत ही जल्द शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से कुछ चीज़ों पर बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि हमने अपने एक नए व्हाइट बोर्ड को ले लिया है, जो आपकी आप सभी को पूरे वीडियो में दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हमने एक नए बोर्ड को ले लिया है और अब हमारी पढ़ाई इसी बोर्ड पर चलने वाली है, ठीक है। और ये सब कुछ आप सभी के प्यार से ही मुमकिन हो पाया है। तो आप सभी लोग अपने प्यार को बनाए रखिए, साथ देते रहिए। हम हर एक सेमेस्टर के लेक्चर्स को प्रोवाइड करते रहेंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर बनाते रहेंगे, ठीक है। मुझे एक्चुअली लग रहा था अंदर से कि अब थोड़ा कुछ चीज़ों पर अपग्रेड किया जाए, तो हमने सोचा कि सबसे पहले चलो बोर्ड को ही बदलते हैं, क्योंकि उस बोर्ड को भी लगभग एक साल हो चुके थे और ये बोर्ड, नया बोर्ड लेने का सजेशन मेरे भैया ने ही दिया था, तो उन्हीं के माध्यम से ही इस बोर्ड को लिया गया और वो काफ़ी सारी चीज़ों में मदद करते भी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अब धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ों में मैं अपग्रेड करता रहूँगा, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। जो भी आप सभी से प्यार मिलता है उन सभी चीज़ों को आप सब पर ही लुटाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। और ये एक नया बोर्ड है, वैसे मैं आप सभी को फिर से वही शब्द बोल रहा हूँ, ये बोर्ड आप सभी के लिए ही लिया गया है, क्योंकि जो पिछला बोर्ड था आप सभी लोगों को देखने को भी मिल रहा होगा कि बगल में दीवाल भी आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक नए बोर्ड को ले लिया जाए, क्योंकि जब मूवीज़ को देखा जाता है तो उसमें भी हम लोग सोचते हैं कि फुल स्क्रीन रहे, तो इसमें क्यों नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ पैसे खर्च ही करते हैं, नए बोर्ड को लेते हैं और पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो पढ़ाई को अपने शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ट्रेजेक्टरीज क्या होते हैं। ट्रेजेक्टरीज, यह एक प्लूरल वर्ड लिखा गया है जिसका सिंगुलर वर्ड होता है ट्रेजेक्टरी। तो हम पहले समझते हैं कि ट्रेजेक्टरी क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि ट्रेजेक्टरीज क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पर डिफिनेशन लिखे गए हैं। वैसे हमारे सिलेबस में अगर बात किया जाए तो ट्रेजेक्टरीज होता है, लेकिन जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं दोनों ही चीज़ों पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। ट्रेजेक्टरीज क्या होते हैं इसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ेंगे। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन है, बस सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर शायद आपको दिखे ना, मैं नीचे कर लेता हूं, ठीक है। और ये पहला लेक्चर है व्हाइट बोर्ड पर, तो हो सकता है कुछ चीज़ों में कमी देखने को मिल सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके हम सुधार करेंगे। और अगर कुछ भी कमी आपको लगता है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है। देखो हमारे पास एक सर्कल का हमारे पास एक फार्मूला लिखा गया है, जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, आप सभी को पता ही है। ए हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसे हम बदलते रहते हैं, तो हमारे सर्कल का रेडियस पता चलता जाता है, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस कुछ इतना है, एक और सर्कल है जिसका रेडियस कुछ इतना है, ठीक है, एक और सर्कल है जिसका रेडियस कुछ इतना है, और एक और सर्कल है जिसका रेडियस कुछ इतना है, ठीक है। लेट अस सपोज, ये बस हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे कुछ सर्कल्स हैं, ठीक है, या मैं कहूं कि ये हमारे पास सर्कल का एक फैमिली है। अब इस सर्कल के फैमिली को एक लाइन द्वारा, लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक लाइन है जो इस सर्कल के फैमिली को कट कर रहा है, ठीक है, हर एक सर्कल के फैमिली को एक लाइन द्वारा कट किया जा रहा है। यानी कि मैं कहूं कि एक हमारे पास एक ऐसा कर्व है, ये जो हमारे पास लाइन लिखा गया है, इस लाइन का जो फार्मूला सूत्र होगा, यानी कि हमारे पास जो y इज इक्वल टू एम एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से हमारे पास गुजर रहा है, या फिर कहूँ मैं ओरिजिन से गुजर रहा है, ये बात बोल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास लाइन है, इसी लाइन को ही हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अब ये लाइन हमारे पास इस सिचुएशन में एक लाइन है, लेकिन यह कर्व भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी किस पर, डिपेंड अपॉन दी फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, या फैमिली ऑफ कर्व पर डिपेंड करता है कि उसके पास कौन सी ट्रेजेक्टरी पाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि ट्रेजेक्टरी का डिफिनीशन क्या बात बोल लगता है। तो बोला जा रहा है कि ए कर्व व्हिच कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स,
क्या कहता है कि एक कर्व हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, जो ब्लैक लाइन से आप सभी को दिख रहा है, which cuts every member of a given family, जो कि कट कर रहा है हर एक मेंबर को। ये हमारे पास पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर, ये चौथा मेंबर, ऐसे ही हम जितने भी मेंबर्स को पकड़ेंगे इस दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व के, उन सभी को कट करेगा, तो उसी को ही हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इस लाइन को ही हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी। अब सवाल उठता है कि ट्रेजेक्टरीज क्या होते हैं। तो जैसे यहां पर एक लाइन है जो कि हर एक मेंबर को कट कर रहा है, ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा भी लाइन होगा जो कि इसी ओरिजिन से गुजरेगा और यहां पर यह भी कट कर रहा है हर एक फैमिली को। इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो ये अगर ध्यान से देखा जाए, समझने का प्रयास करना, तो दो ऐसे कर्व्स हमारे पास मिल रहे हैं जो कि हमारे पास दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को कट कर रहे हैं। हो सकता है इससे और भी ज्यादा मिल जाए, तो इन्हीं ट्रेजेक्टरी को ही हम कहते हैं ट्रेजेक्टरीज, क्योंकि यह प्लूरल वर्ड होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो इसे अभी जब न्यूमेरिकल लेते हुए समझाऊंगा तो और भी ज्यादा और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी क्या होता है। तो ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी उस ट्रेजेक्टरी को ही हम कहते हैं जो कर्व उस कर्व को ही हम ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी कहेंगे, जो कर्व हमारे पास दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व को बराबर एंगल पर काटता हो। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पर भी 60 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पर भी 60 डिग्री होना चाहिए। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। यानी कि हर एक मेंबर को जब वह कट करेगा ट्रेजेक्टरी, तो वह 90 डिग्री या फिर मैं कहूँ एक कांस्टेंट एंगल पर ही कट करेगा, तो उसी ट्रेजेक्टरी को ही हम कहने लग जाते हैं ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी। बस यही बात ध्यान में रखना कि इफ द ट्रेजेक्टरी कट्स एवरी मेंबर, ठीक है, यहाँ पर मेंबर होगा, मेंबर होता है, ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स एट कॉन्स्टेंट एंगल। कॉन्स्टेंट एंगल ये काफी मायने रखता है ट्रेजेक्टरी और ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी में, यही डिफ्रेंशिएट करता है कि जब कॉन्स्टेंट एंगल पर कोई भी ट्रेजेक्टरी दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व को कट करेगा तो उसी को ही हम कहने लग जाते हैं ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी। लेकिन हमारे एग्जाम में जो पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स, वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बेस पर पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास ट्रेजेक्टरी है या ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी है और यह एक कांस्टेंट एंगल पर कट कर रहा है, तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है। तो लेट अस सपोज कि ये हमारे पास अल्फा एंगल है। अब अगर हमारे पास यही अल्फा एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 90 डिग्री, यानी कि हमारा जो ट्रेजेक्टरी है वो हर एक मेंबर को दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को 90 डिग्री पर जब कट करना शुरू कर दे, तो उसी को ही हम कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, राइट एंगल, ये बात ध्यान में रखना, राइट एंगल यानी कि हमारे पास होता है कितना, 90 डिग्री, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। वैसे भी ऑर्थोगोनल वर्ड से यही बात पता चलता है कि 90 डिग्री के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलो कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात करना शुरू करते हैं। अब चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि वर्किंग प्रोसीजर पर, कि अगर हमारे पास कोई भी फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है, ठीक है, तो उसके हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं, वर्किंग प्रोसीजर पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स पर भी बात करेंगे। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ये जो वीडियो है इसमें हम कार्टीजियन फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जिसमें एक्स वाई जेड वगैरह रहेंगे, और जो हमारे पास पोलर फॉर्म है उसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें आर और थीटा इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो चलो यहां पर हम शुरुआत करते हैं इसके वर्किंग प्रोसीजर को समझना। सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी एक फैमिली ऑफ कर्व दिया जाएगा, जैसे कि हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसे हम एक इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वह हमारे पास दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से जो हमारा पैरामीटर था, कोई भी पैरामीटर, अगर उस केस के लिए हम बात करें तो पैरामीटर हमारे पास ए था, तो उस ए को हम रिमूव करेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, जैसे जिसमें भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, उसे हम रिप्लेस कर देंगे माइनस डी एक्स अपॉन में डी वाई से। ठीक है, और जब इसका रिप्लेसन करेंगे, रिप्लेसिंग जब हम करेंगे, तो इसमें हमारे पास एक नया प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा भी, उसको ही हम सॉल्व करेंगे और उसकी सहायता से हम अपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज को फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि उसके इक्वेशन को हम फाइंड आउट कर लेंगे।
ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि ये कैसे क्या बात बोली जा रही है, ये सभी आप सभी को वर्किंग प्रोसीजर है और यहाँ पर हमारे पास पहला न्यूमेरिकल आ चुका है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके सोल्यूशन मेथड पर, ठीक है। और अब बोर्ड बड़ा हो चुका है तो आप सभी को कुछ चीज़ों को कमेंट करके बताना होगा कि इस बोर्ड पर आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है, ठीक है, कितना मज़ा आ रहा है। और साथ ही साथ सभी चीज़ों को बताएगा आपको जो भी कमी लगती है, जो भी अच्छाई लगती है, आपको यह बोर्ड कैसा लग रहा है, ये सभी चीज़ें पढ़ाने का जो तरीका है। अब बड़ा बोर्ड हो चुका है तो बहुत सारी चीज़ों को एक ही पेज पर समझा मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग जरूर कमेंट करके बताएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अब हम चीज़ों को जब अपडेट कर रहे हैं तो हमें भी पता चलना चाहिए ना कि आप सभी के लिए कैसा बेनिफिट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है गिवन दैट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, उसके फैमिली दिए गए हैं, ठीक है, उसी का ही हमें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फाइंड आउट करना। और यही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा भी जाता है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ही आता है, ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ, लिख सकता हूँ द इक्वेशन ऑफ फैमिली, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज, हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में दिया भी जाए, हो सकता है नहीं भी दिया जा सकता है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखो तो हमारे पास जो यम लिखा गया है यह क्या है, एक पैरामीटर है, तो इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं कि वेयर, जहां पर हमारे पास जो m है, ठीक है, वेयर m इज ए पैरामीटर। आप लोग भी ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो और भी ज्यादा नंबर आप सभी के मिलने के चांसेस हो जाएंगे, कहीं भी कट नहीं सकता नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलो मैं इधर कर देता हूँ अगले पॉइंट्स को। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा dy by dx, ठीक है, क्या मिलेगा, dy by dx मिलेगा, और इज इक्वल टू हमारे पास x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो हमारे पास x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यम कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और x का x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास मिला यम इंटू 1, यानी कि यम मिल चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन बना, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन बना, ठीक है। हम अपने प्रोसीजर की सहायता से ही चल रहे हैं, हमें पहले क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद हम अपने पैरामीटर्स को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, या इलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम इलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है y इज इक्वल टू एम एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू y बाई एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है, इसी की सहायता से हमने ये कर दिया, ठीक है। तो अब इसका सहायता से यानी कि इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम m को रिमूव करने वाले हैं या इलिमिनेट करने वाले हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे अपने यम को, तो हमारे पास क्या मिलेगा, यम की जहां पर हमें रख देना है वाई बाई एक्स, ठीक है। अब जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास जो पैरामीटर है वह रिमूव हो चुका है, तो अब हमें अपने दूसरे वाले स्टेप पर चलना है। दूसरा वाला स्टेप कहता है कि नाउ हमें यह करना है कि जो हमारे पास dy by dx है उसकी जहां पर हमें लिख देना है माइनस dx अपॉन में dy इज इक्वल टू, हमारे पास जो दिया गया है उसे वैसे ही रखना है, उसको रेसिप्रोकल मत करना, उसे वैसे ही छोड़ दो, केवल dy by dx के यहाँ पर माइनस dx अपॉन में dy रखा जाता है। एक्चुअली ये जो हमारे पास स्मॉल x स्मॉल y है, ये हमारे पास कैपिटल x कैपिटल y होता है, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स है, ठीक है, एक प्रकार से नोटेशंस का ही हम उपयोग करते हैं, चाहे स्मॉल x कहूँ चाहे कैपिटल x कहूँ, बात तो एक ही होगी, तो हम बाद में फिर से उसको रिप्लेस कर देते हैं। खैर उस चीज़ों को छोड़िए, अभी यहाँ पर क्वेश्चन पर फोकस करिए। अब देखो इसका हमें क्या करना है, नॉर्मल सा प्रोसीजर कहता है कि सॉल्व द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये हमारे पास एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, इसी का ही हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट जैसे करेंगे, हम अपने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ चलेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसको कैसे लिखा जा सकता है, वेरिएबल सेपरेबल का केस बनता हुआ नजर में आ रहा है, x के टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, y के टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा y dy और यहां पर हमारे पास मिल रहा है माइनस x dx, ठीक है। तो चाहो तो इसे इधर भी भेज सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, ऑन इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन। अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x dx, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2 एंड प्लस एक कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा जिसे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c कहेंगे,
ठीक है, इन सभी चीजों को एक साइड भी कर सकते हैं या फिर आप यहीं छोड़ देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा इक्वेशन बनाते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर को इधर मैं भेजूंगा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड यहां पर हमारे पास वाई स्क्वायर है ही, और यहां पर भी हमारे पास नीचे दो है, यहां पर भी नीचे दो है, तो इन दोनों का एलसीएम दो हो जाएगा, तो उस दो को हम उधर भेज दे रहे हैं तो हमारे पास मिल जा रहा है टू सी। ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन मिला है, चाहो तो आप 2c को भी एक नए कांस्टेंट से रिमूव कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, चाहे 2c लिखूं चाहे यहां पर a लिख दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही हमारे पास मिल चुका है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज का इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर। ओके, तो ऐसे ही आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन तो जरूर मिल सकता है, वैसे कार्टेशियन फॉर्म से कम चांसेस होते हैं लेकिन पोलर फॉर्म से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फिलहाल एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए हम एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लेते हैं जो कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज के बेस पर ही पूछा जाता है आप सभी से एग्जाम में, लेकिन इसमें हमें कुछ और भी प्रोसेस करने हैं, और इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका काम नहीं हो सकता, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बात बोली जा रही है, बोला जा रहा है कि सो दैट हमें दिखाना है कि दिस सिस्टम ऑफ कॉन्फोकल एंड को एक्सियल पैराबोलाज। ठीक है, हमारे पास दो पैराबोलाज दिए गए हैं जो कि हमारे पास कॉन्फोकल है और को एक्सियल पैराबोलाज के इक्वेशन, ठीक है, या फिर उसका सिस्टम का हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, और हमें प्रूव करना है कि ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है, यानी कि कोएक्सियल एंड कॉन्फोकल पैराबोलास जो हैं ये एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ ट्रेजेक्टरीज डाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम कैसे प्रूव करते हैं इस पर हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे अच्छे से पढ़िए। चलिए सोल्यूशन पर हम बात करते हैं, सोल्यूशन में ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए दी सिस्टम हमारे पास क्या दिया गया है, दी सिस्टम ऑफ पैराबोलाज, ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ द इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज लिख सकता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन से हम कैसे डील करते हैं, क्योंकि हो सकता है इक्वेशन बदल दिया जाए लेकिन तरीका वही होगा। ठीक है, तो इसके डीलिंग का तरीका समझिए ताकि आपका काम हो सके। तो देखो ये हमारे पास जो इक्वेशन लिखा गया है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ओ आर आर हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स प्लस हमारे पास हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब हम वैसे भी डिफ्रेंशिएट करते ही करते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और भी हमारे पास सूटेबिलिटी मिल सकती है। चलिए बात करते हैं, ये लेट अस सपोज कि ये हमारे पास, तो यहाँ तक चीज़ों को समझ चुके होंगे, इसे आप लोग पहला इक्वेशन बना लीजिए। अब चलिए इसके बाद हम अगले स्टेप पर बात करते हैं, तो अगर अगले स्टेप पर हम बात करते हैं तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वर्किंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, यह बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, एंड इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो बचेगा क्या, फोर ए बचेगा, एंड यहाँ पर तो हमारे पास सभी कॉन्स्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन बना, ये हमारे पास पहला इक्वेशन बना। अब इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, हम अपने ए को इलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो अगर ए को इलिमिनेट करना है तो इसको थोड़ा सा हम इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं फोर से डिवीजन कर देते हैं, तो इसी इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/2y, एंड ये हमारे पास बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा स्मॉल a, हमने क्या किया 4 से डिवीजन किया तो 2 से 2 हमारे 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो 1/2 बच गया, और ये हमारे पास y dy/dx इज इक्वल टू a हमारे पास मिल रहा है। अब चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लो। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुका है। अब इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से हम a को एलिमिनेट करने वाले हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से अगर हम इलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जहाँ पर हमें रखना है तो फोर तो हमारे पास रहेगा ही, और फोर से हमारे पास चलो लिख देता हूँ मैं 1/2, एंड एक्स भी है यह भी बात ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर चलो मैं 4x लिख देता हूँ, उसके बाद हम ए का वैल्यू रखते हैं, तो ए का वैल्यू अगर मैं रखूँगा तो 1/2 हो जाएगा, वाई हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, एंड हमारे पास मिलेगा प्लस 4 ए स्क्वायर को मत भूल जाना नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ए का वैल्यू हम इसमें रख रहे हैं तो हमारे पास मिलेगा हमारे पास मिलेगा 1/2 एंड वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 2 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 बचेगा, एंड कुछ और नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर 2xy हो जाएगा, एंड dy/dx को हम लिख सकते हैं स्मॉल p, ये बात आप सभी को पता ही है तो मैं लिख दिया, प्लस हमारे पास
एक्चुअली पी लिखने का पीछे का रीज़न ये है कि हम थोड़ा सा इसे और भी सस्ते या आराम से लिखने का तरीका खोजना चाह रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1/4 मिलेगा और 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर मिल जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास ये dy/dx का होल स्क्वायर, यानी कि ऑर्डर हमारे पास नहीं, डिग्री हमारे पास 2 मिल रही है, तो हम क्या करते हैं इसको हम पी स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चाहो तो आप यह भी बता दो यहीं पर कि वेयर हमारे पास जो पी हमने लिखा है वो एक्चुअली dy/dx को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो हमने यहां तक पहुंचा है ये हमारे पास एक इक्वेशन बना है, इसे लेट अस सपोज कि ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन बन गया है। हमें ये नहीं प्रूव करना कि इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या है, उसका इक्वेशन हमें नहीं खोजना, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ही सेल्फ ऑर्थोगोनल हैं। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो ऐसे केस में हम ये करेंगे कि हमारे पास जो वर्किंग प्रोसीजर है वही लेकर चलेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिप्लेस करेंगे, किसका रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस जब हम रिप्लेस करेंगे तो किसका करेंगे, dy/dx का रिप्लेस करेंगे, लेकिन यहाँ पर dy/dx को मैंने p सपोज किया है तो हम p को रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस p बाई किस से रिप्लेस करने वाले हैं, -1/p से हम रिप्लेस करने वाले हैं। शायद ये बात आपको ज़्यादा हजम ना हुई हो, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बात बोल रहा हूँ। p की जहाँ पर हमारे पास dy/dx ही है और यहाँ पर 1/p है, तो अगर यहाँ पर माइनस भी है तो यहाँ पर मैंने माइनस लगाया, और इसका हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा dx/dy हो जाएगा, और यही तो हमें रिप्लेस करना था। dy/dx की जहाँ पर -dx/dy रखना है, तो इसलिए p की जहाँ पर -1/p हम रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये बात जो मैंने बोला, अब डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। नहीं तो कई बार बच्चों को डाउट बच जाता है इन क्वेश्चंस में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बात बता दी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो हम रिप्लेस करेंगे इन इक्वेशन, किस में, हम अपने इक्वेशन नंबर थर्ड में कर रहे हैं, इन इक्वेशन थर्ड। तो हम जब इक्वेशन थर्ड में यह रिप्लेसिंग करेंगे तो हमें मिलेगा, नाउ वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे, नाउ वी गेट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज को हम प्राप्त करेंगे, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अब जब हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज को प्राप्त करेंगे तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें p की जहाँ पर -1/p रखना है, y स्क्वायर तो हमारे पास वैसे के वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 2xy तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एंड p की जहाँ पर हमें रखना है क्या, -1/p, तो यहाँ पर माइनस तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाई वाई, और हमारे पास अपॉन में p मिलेगा, तो चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/p, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है प्लस और यहाँ पर है वाई स्क्वायर, एंड पी के यहाँ पर हमें रखना है -1/p, तो पी स्क्वायर है, तो यानी कि माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और बचेगा क्या, हमारे पास मिल रहा है 1/p², ठीक है। अब इसी इक्वेशन को ध्यान से सुनना, हमें सेल्फ ऑर्थोगोनल अगर प्रूव करना है तो इस इक्वेशन को यह प्रूव करना है कि इक्वेशन नंबर थर्ड के ही बराबर है। तो चलिए प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर -2xy तो रहेगा ही रहेगा। एक काम करते हैं, p स्क्वायर का हम LCM ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा क्योंकि अपॉन में एक ही p है, प्लस y स्क्वायर मिल जाएगा एंड अपॉन में हमारे पास मिल जाएगा p स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर p स्क्वायर एंड यहाँ पर क्या मिल रहा है, -2xy p एंड प्लस p स्क्वायर हमारे पास मिल रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में खींच लाते हैं, या फिर ऐसा कहूँ मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हमारे पास मिल गया वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2xy p इज इक्वल टू हमारे पास मिल रहा है p स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर मिल गया, ओके। अभी देखो इसी इक्वेशन को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, वह क्या है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 2xy p एंड प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जो हमने अपने तीसरे इक्वेशन को लिखा था और जो यह हमने अपने नए इक्वेशन को बनाया है, ये दोनों इक्वेशन सेम हैं, दीज इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दीज इक्वेशंस जिसे हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड और इसे इक्वेशन नंबर फोर हम नाम दे रहे हैं, एंड फोर आर सेम, ये क्या है, सेम है, इसलिए हेंस दीज आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, क्या है, इसलिए ये सेल्फ ऑर्थोगोनल मैं कह सकता हूँ, दीज आर ऑर्थोगोनल, और यहाँ पर लिख दीजिए ब्रेकेट में सेल्फ, यानी कि ये खुद से ही ऑर्थोगोनल है,
ठीक है। तो हमने अपने इस इक्वेशन को भी प्रूव कर दिया, ये काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिलहाल अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अपने इस लेक्चर में हमने बात कर लिया कि कार्टेशियन कर्व के लिए हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं पोलर फॉर्म के लिए बात करूंगा कि कैसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज को फाइंड आउट किया जाता है, उसके बाद हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को यह लेक्चर कैसा लगा है, या नए बोर्ड पर आप सभी को कैसा समझ में आया है, कितनी चीज़ों में और भी ज़्यादा आप सभी को अच्छा लगी है, ये सब कुछ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और चीज़ों को अपडेट करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।